अच्छा ओके, सर चलना चाहिए 5 सेकंड तक, और 5 सेकंड के जी सर, बाद ये पर्दा ओपन हो जाए और स्टेज ऊपर आ जाए। जी सर, अच्छा जी ओके, सर, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिगिन है X16, नहीं X16 ओके नहीं होगा, X16 होगा जी, X16, X16 के साथ हम एक टाइमर लगा देंगे T0 ठीक है। K50। अच्छा ओके, और बजर भी बोलना चाहिए, तो एक इंसर्ट लाइन बजर आ गया यहाँ पे, Y5। अच्छा ओके ठीक है, टाइमर चलेगा 5 सेकंड तक, और जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो T0 एज अ स्विच काम करेगा और ये ओपन कर देगा कर्टन को। कर्टन की ओपन की कमांड है Y0, Y0 ओके हो गया। ठीक है, कर्टन ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें X2 दे देना चाहिए, यानी कि जो कंप्लीटली ओपन हो जाता है तो बजर भी रुक जाए और टाइमर भी स्टॉप हो जाए। ठीक, अच्छा ओके, पहले के स्टेप देख लेते हैं, सही चल रहा है नहीं चल रहा। बिगिन, ये टाइमर नहीं चालू, टाइमर लैच नहीं होगा। ये छोटी सी बात हमेशा रह जाती है। अच्छा ओके, इसको करना पड़ेगा Y5 के साथ, फाइव Y5 ये इलेक्शन हो गई। ओहो, अच्छा जी ये हो गया, ठीक हो गया, Y0 है ओपन कमांड। ठीक है, जी सही है, यहीं पे हम दे लेते हैं X2 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक क्योंकि X2 जब होगा तो नहीं, X2 यहाँ पे कुछ है ना, कर्टन ओपन हो गया। अच्छा हाँ, कर्टन जब ओपन हो जाएगा जाहिर है X2 एक्टिव हो जाएगा, फिर जब X2 एक्टिव होगा तो स्टेज ऊपर आ जाना चाहिए, स्टेज अब कमांड है Y2, Y2 ओके ठीक है, इससे जब ये एक्टिव होगा तो Y2 भी ऊपर आ जाएगा। मसला रह गया था इसके मैनुअल का, जी ओके सर, मैनुअल यहाँ से, तो मैनुअल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैनुअल है X10 कर्टन ओपन, वो यहाँ पे लगा टेन, देते हैं X10 ये। अच्छा ओके, अब देखते हैं, अब सिर्फ ओपन का है ये, एक दफा चेक कर लेते ठीक हैं। है सर। कर्टन ओपन ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा ओके, रीसेट करते जी हैं, पहले देखते हैं बिगिन ठीक ही काम करेगा। ओके पहले बिगिन देख लेते हैं, बिगिन आ गया, सर, अलार्म ऑन, इसको ओपन करके स्टेज को ऊपर कर देना चाहिए। ठीक हो गया, और फिर रीसेट कर लेते हैं तो कर्टन ओपन काम कर रहा है ये, ठीक है ओके, ओपन ऑटो भी काम कर रहा है और मैनुअल भी काम कर रहा है। अब क्लोज का देख लेते हैं, क्लोज में एंड अगर आप प्रेस करेंगे तो कर्टन स्टॉप। अच्छा, प्रोग्राम के मुताबिक ना कर्टन बंद होना चाहिए, स्टेज का डाउन होना उसमें नहीं था, यानी वो जरूरी नहीं है, तो
एंड जब प्रेस करेंगे यानी X17, तो इससे कर्टन को बंद हो जाना चाहिए। कर्टन क्लोज कमांड है किधर गई, Y1। मेन पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये Y1 एक ही जगह पे यूज होना चाहिए। अगर मैं Y1 यहाँ भी कर दूँ, ऊपर भी कर दूँ, तो कन्फ्यूजन होती है, वो बटन काम नहीं करता। बिल्कुल, ये आपने भी नोट किया। अच्छा ओके, X17 करेंगे तो कर्टन को स्टॉप हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ Y1। अच्छा नहीं, इसमें एक और काम करते हैं हम, इसमें यूज करेंगे M डायरेक्ट, ये नहीं यूज करेंगे, पहले M0 यूज करते हैं। M0 यानी कि ये एक रिले को ऑन करेगा और रिले लैच हो गई, वर्चुअल रिले ये। इसके बाद M0 से ये पर्दा क्लोज होगा, M0 ये, और इसको जो क्लोज करना है Y1 यहां पे आएगा ये। इसको लैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि M ऑलरेडी लैच्ड है, तो ये इसको क्लोज करके अब यहां पे हम क्लोज मैनुअल क्लोज की कमांड ये वाली दे सकते हैं, कर्टन क्लोज X11 जी सर। ठीक है, तो यहां पे ना ये वर्चुअल रिले इंपॉर्टेंट हो जाती है, M0 M1 वगैरह ये यूज करने पड़ेंगे। ऊपर हमने इसलिए यूज नहीं किया कि ऊपर T0 यूज हो रहा है ऑलरेडी, ये रिले की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये सेपरेट है और ये यहाँ पे आके इसको ओपन करता है, और यहीं पे हमने क्लोज वाली कमांड भी लगा दी। अगर टाइमर ना होता तो हमें यहाँ पे भी वर्चुअल रिले लगानी पड़ती। अच्छा ओके, अब हमारा क्लोज और ओपन वाला ना, ये दोनों मैनुअल और ऑटो काम करने चाहिए। जी सर। अच्छा पहले मैनुअल चेक कर देंगे, ओपन है, ओपन हो रहा है, ठीक हो गया। क्लोज है, क्लोज भी हो रहा है, ओपन और क्लोज ठीक हो गया। बिगिन, अब मैं दोबारा बिगिन वाले देख लेती हूँ, ऑटो ओपन हो गया, एंड क्लोज भी हो गया, ऑटो भी काम कर रहा है और ये मैनुअल भी काम कर रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कर्टन ओपन काम नहीं कर रहा, कर्टन ओपन काम नहीं कर रहा। अच्छा कर्टन ओपन काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये M जो है ना, ये अभी तक एक्टिव है, इसने इसको बंद करके रखा हुआ है, तो हमें M को ऑफ करना पड़ेगा जब ये पूरी तरह क्लोज हो जाए। क्लोज होता है कहाँ पे, जब X0 पे आ जाते हैं ये, X0 का मतलब है पूरी तरह क्लोज हो गया, तो X0 हमें लगाना पड़ेगा M को ऑफ नहीं, तो M इसका ऑफ हो चुका हो, ठीक है ओके, ये लग गया। दोबारा देखते हैं, पहले हम ऑटो देखते हैं फिर इसको मैनुअल चेक करते हैं। ओके जी, पहले ऑटो चेक कर लेते हैं, ये बिगिन ठीक है, ऑटो काम कर रहा है और क्लोज भी काम कर रहा है। अब मैं यहां से ओपन करता हूँ, देखिए ना अब ओपन हो गया। पहले ये M एक्टिव ही रहता था तो इसको क्लोज करके रख रहा था, ये क्लोज था। ओके जी, ये ओपन हो गया और ये यहां से क्लोज भी हो गया, ठीक है। तो ये मैनुअल भी काम कर रहा है और ओपन भी काम कर रहा है, ठीक है। ठीक, आज मेरे ख्याल है आपने सिर्फ इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करें, सारा करेंगे ना तो कंफ्यूजन होगा। आप कंफ्यूज इसी को अच्छी तरह देख लें आज, ये मेन पॉइंट इसमें ये रिलेज है, यानी कि इनको इकट्ठा नहीं करना। बिल्कुल सर, पहले M और M के बाद इसको ओपन या क्लोज करना है M से, ठीक है। ठीक है, मैं आप ठीक है ना, और ऊपर भी टाइमर था, उसने टाइमर ने पहले सेपरेट, यानी कि पहले टाइमर चलता है, उसके बाद टाइमर इसको ऑन ऑफ करता है, फिर हमने मैनुअल भी उसके साथ लगा दिया, ठीक है ना। ये जो लगा हुआ ना, ये मैनुअल में भी दोनों है, और दूसरा यहाँ पे M काम आएगा, ये जो वर्चुअल रिले है, तो ये कर ले। अब ये मैनुअल भी सही काम कर रहा है और ऑटो भी सही काम कर रहा है, ठीक है। ये करके फिर बाकी ये लाइट वाइट भी इसमें ऐड करने की कोशिश करें, स्टेज अप स्टेज डाउन भी हो जाएगा, नहीं होता तो वो कल दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है, फिर ये एम पे आपने बस गौर करना कि पहले एम और फिर एम से इसको ऑन ऑफ करना, ठीक है सर, ठीक है? ठीक हो इसको गया। देख लें, चलें बाकी कल इंशाल्लाह देखते हैं तसल्ली से। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, टेक ओके केयर, अल्लाह सर। हाफिज़।